नमस्कार। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई साहब ने कमेंट किया हुआ था मेरे, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था मीशो सेलर के ऊपर, मीशो सेलर पे आप ऑर्डर इंक्रीज कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, सर कैटलॉग ड्राफ्ट से डिलीट नहीं होता, एनी आइडिया हाउ टू डू। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर आपने मीशो पे अगर आप कोई भी लिस्टिंग करते हो और बाय चांस किसी वजह से आपका वो लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लिस्टिंग आपका जो होता है वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। अब ड्राफ्ट में आपको जो भी लिस्टिंग आपका सेव हो जाता है उसकी क्या प्रोसेस की जा सकती है? क्या आपका वो लिस्टिंग है वो डिलीट हो सकता है, या फिर उसको यहां से ड्राफ्ट से हटाने के लिए आपको क्या करना है? आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई आपका मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो हमारी चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी चैनल पे आपको ई कॉमर्स रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे आप आसानी से सारे वीडियोस को आप देख के आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सकते हो, आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जिसके रिगार्डिंग अपडेटेड टिप्स आपको मेरे सारे वीडियो से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मीशो पे ड्राफ्ट लिस्टिंग डिलीट हो सकता है। तो भाई पहली चीज मैं आपको बता दूं, मीशो पे आपकी कोई भी लिस्टिंग हो इसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्लियर फैक्ट है। इस जगह पे अगर आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हो और बाय चांस फ्लिपकार्ट पे आपको कोई इश्यू आ जाता है आपकी लिस्टिंग में, अगर आपने न्यू लिस्टिंग की है और आपकी लिस्टिंग में कोई इश्यू आता है, तो यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन मीशो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये जो ड्राफ्ट में जो हमें शो होता है जो भी हम लिस्टिंग करते हैं, अब आपके ड्राफ्ट लिस्टिंग आपको कहाँ से शो होगी? आपको कैटलॉग अपलोड में आ जाना है। कैटलॉग अपलोड में अगर आपने बल्क अपलोड किया तो आपको बल्क अपलोड में दिखेगा, अगर आपने सिंगल अपलोड किया तो आपको सिंगल अपलोड टैब में आ जाना है। यहाँ पे आपको सिंगल अपलोड टैब दिखेगा, सिंगल अपलोड टैब में आना है। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट दिखेंगे, जो भी आपका लिस्टिंग है जो पूरी तरीके से लाइव नहीं हुआ है वो सारा आपको ड्राफ्ट में दिखेगा। अब इस ड्राफ्ट का क्या किया जाए? तो ड्राफ्ट में से आपको आपकी लिस्टिंग को हटाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है आपको लिस्टिंग को पहले प्रोसेस करके लाइव कर देना है, उसके बाद फिर उस लिस्टिंग को पोस्ट कर देना है। अब ये कैसे करेंगे? लाइक मेरा ये लिस्टिंग है, ये ड्राफ्ट में बता रहा है, तो मैं इसको एडिट कैटलॉग पे क्लिक करूंगा। जैसे एडिट कैटलॉग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस सारी बता देगा, जो भी हमारी लिस्टिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पे हम सारी डिटेल्स एड कर देंगे, जो कि हमें तो इसे पोस्ट में ही रखना है। तो मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स ऐड कर देता हूं, इसके बाद हम टाइटल ऐड कर देंगे, कॉपर ब्लास्ट क्लीनिंग लिक्विड फ्री साइज रख देंगे, और यहाँ पे हम इसकी एमआरपी भी डाल देंगे। ये ड्राफ्ट में क्यों जाता है कि कई बार हम लिस्टिंग को पूरी प्रोसेस पे नहीं कर सकते। अब ये मेरा ड्राफ्ट में इसके लिए गया था क्योंकि मैंने जो इमेज यहाँ पे सेलेक्ट की थी इस पे 105 रुपया मुझे शिपिंग चार्ज बता रहा था, तो मैंने इसकी जो लिस्टिंग है इसको मैंने स्टॉप कर दिया था और ये ड्राफ्ट में चला गया था। आइवेंट्री एक पे रख दूंगा, इसके यूआईडी फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जहां जहां पे रेड स्टार मार्क है ना, इन सबको आपको फिल कर लेना है, बाकी ऑप्शनल चीज है उसको आप फिल नहीं करो तो भी चलेगा। रेड स्टार जहां जहां पे होगा ये सारी चीज आपको फिल करनी कंपल्सरी है, अदरवाइज आपकी जो लिस्टिंग है ये आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो हम यहाँ पे सारी प्रोसेस को फिल कर देते, और इसको कुछ इसी हिसाब से फिल करेंगे कि इनके अगर फ्यूचर में हमें लाइव भी करना पड़ा इस कैटलॉग को तो हमें इसमें ज्यादा कुछ देखना ना पड़े, हमारा कैटलॉग आसानी से लाइव हो जाए, इस प्रकार से आप सारी डिटेल को फिल कर दीजिएगा। अब मीशो के अंदर लिस्टिंग डिलीट करने का, कोई भी लिस्टिंग हो, चाहे आपकी लाइव हो गई हो वो लिस्टिंग हो, या फिर आपने कोई नया लिस्टिंग किया हो, तो उसको डिलीट करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मीशो में कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं होता है। हाँ,
आप सर्टिफिकेशन के लिए एक बार आप टिकट रेस कर सकते हो, हालांकि उसके ऊपर जवाब मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है, हम इस प्रकार से जो भी हमारी लिस्टिंग है इसको पहले हम लाइव करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम टाइप में डाल देंगे कंट्री, रिलीजन, इंडिया, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड है तो मैं यहाँ पे ब्रांड नेम को भी ऐड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं सिर्फ इतना लिख के इसको सबमिट कर दूंगा। अब जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा ये प्रोसेस पे चला जाएगा, जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे क्यूसी प्रोसेस में ये बताएगा, क्यूसी प्रोसेस में ये अभी यहाँ पे शो हो रहा है। ये ज्यादा समय नहीं लेता है, तुरंत हो जाता है, कई बार ये ज्यादा समय ले लेता है। अगर सेम कैटलॉग रिगार्डिंग आपका शो हो रहा रहेगा तो ही ये ज्यादा समय लेगा, बाकी अगर आपका जो कैटलॉग है ये फ्रेश होगा तो ये तुरंत ही आपका लाइव हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 2 से 5 मिनट लगता है ये लाइव हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जब तक ये लाइव हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बता देता हूँ। अगर आपको मीशो पे प्रोडक्ट को सही तरीके से लिस्टिंग करना है तो मैंने यहाँ पे मेरी चैनल पे वीडियो दिया हुआ है जहाँ पे आप मीशो को सही तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो। आपको ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेनी है, मेरी प्राइस लिस्ट में, मेरी प्ले लिस्ट में जैसे आप जाओगे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस से मीशो पे लिस्टिंग कैसे की जाती है एसईओ बेस के आधार पे, इसका पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर मीशो पे ऑर्डर ग्रो भी करने हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, मीशो की क्या रिटर्न पॉलिसी है मीशो के रिगार्डिंग है, और भी जितने प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, अमेजोन और स्नैपडील, इसके अभी तक के तो वीडियोस है, बाकी आगे जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा सारे सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे जिससे कि आप भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर सको। सो फिलहाल यहाँ पे जो मेरा क्यूसी इन प्रोसेस में था वो क्यूसी पास हो चुका है। तो क्यूसी पास जैसे हो जाता है अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ऑल पे आ जाएंगे। जैसे ही हम ऑल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली दिख जाएगी। अब ये क्यूसी पास हुआ है तो क्यूसी पास में हम देख लेते हैं हमने जो अभी लिस्टिंग की है ये कहाँ पे शो हो रही है। क्यूसी एरर में तो शायद नहीं है, ओके, क्यूसी एरर में नहीं है। क्यूसी एरर इसकी वजह से होता है कि आपकी सेम लिस्टिंग होगी, अगर सेम कैटलॉग होगा तो आपका क्यूसी एरर में चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ जो मैंने अभी ऐड किया था, तो मैं डायरेक्ट इसी को सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सर्च नहीं हो रहा है तो मैं अभी देख लेता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी जो भी लिस्टिंग है अब यहाँ पे अगर आप आईवेंट्री में भी आ जाओगे तो आईवेंट्री में आपको फर्स्ट लिस्टिंग ही मिल जाएगी जो भी आपने रिसेंटली अपलोड की है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्टॉक को जीरो कर देना है। जैसे आप स्टॉक को जीरो कर दो, यहाँ से जीरो करके आपको क्लिक कर देना है, और साथ यहाँ पे आपको जैसे आप 3 डॉट पे मोर पे क्लिक करोगे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पोस्ट टैब पे क्लिक कर देना है, या आपकी लिस्टिंग जो है ये पोस्ट टैब में चली जाएगी। पोस्ट टैब में जैसे जाएगी ये आपकी लिस्टिंग आपको बायर पैनल पे कहीं पे भी ये शो नहीं होगा, ये सारे आपको पोस्ट टैब में यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें से कोई भी लिस्टिंग को आपको फिर से लाइव करना हो तो आप यहीं से स्टॉक एड जैसे करोगे आपकी लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था कि आप मीशो पर अगर आपका ड्राफ्ट में चला जाता है लिस्टिंग तो उसके आगे की प्रोसेस कैसे की जा सकती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।